खाला मामा को ये सब कुछ बताएंगी कि मैं यहाँ पर हूँ, और मामा यही चाहेंगी कि मैं यहाँ से भी चली जाऊँ। नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। सब मेरा किया मेरे सामने आया, जो मैंने बोया वो मेरी बेटियां काट रही। झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन अब जब प्राण मेरे नहीं रहे, मायरा उन्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। आप नहीं जानते जबरान, सिया ने मुझे कितना टॉर्चर किया, हर दिन हर पल। अगर वो शख्स मुझे तलाक नहीं देता ना, तो शायद पागल हो जाती। I can understand. लेकिन सब कुछ भूल जाओ आप और अपनी जिंदगी को एक और चांस दो। ठीक कहते हैं, मैं भी यही चाहती हूँ। जो खुशियां मेरे हाथ से निकल गई उन्हें मैं हासिल करके रहूंगी, क्योंकि इन खुशियों में मेरा भी हक है। अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ, ये एजुकेशन कंप्लीट करो बच्चे। यही बात तो मैं समझा रही हूँ उसे, लेकिन इसे मेरी बात समझ में ही नहीं आती। बाबा, मुझ में अब इतना हौसला नहीं है कि मैं लोगों को फेस करूं। खुदा ना खास्ता, ऐसा क्या कर दिया तुमने जो तुम लोगों को फेस नहीं कर सकते? बाबा, मैं लोगों की नजरों में अपने लिए सवाल, उलझन और हमदर्दी, ये सब देखना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अरे बेटा, ये सब तुमने खुद से फर्ज कर लिया। बाहर निकलो, लोगों से मिलो जुलो, तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ लोग ये सब कुछ भूल जाएंगे। ठीक है मामा, मैं कोशिश करूंगी। देखा, मेरी बेटी बड़ी बहादुर और हौसला मंद है। मामूली मामूली बात, घबराने वाली नहीं, ये करके दिखाएगी। क्यों जी? जी बाबा। अच्छा देखिए, ये आशा, ये जो पॉइंट था ना, वही मैं चाह रही थी कि इस पर थोड़ा सा आप फोकस करें। दस हो गया। देखिए, ये क्लॉज होना चाहिए, और ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब न्यू कंपनी है, तो ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मैंने जावेद साहब से भी बात की थी, बट उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता। ऑनलाइन हमें देखना होगा इसको। हाँ, न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, सो फॉर दिस वी नीड टू हैव सम इन्फो। ये क्या आप लोगों ने घर को ऑफिस बना रखा है? नहीं, वो एक्चुअली सारा इतना बर्डन होता है ऑफिस में कि ये सब कुछ डिस्कस ही नहीं हो पाता। दैट्स व्हाई वी थॉट टू हैव इट लाइक अभी। चलें ठीक है, आप लोग करें डिस्कशन, मैं तो सोने जा रही हूँ। हाँ, मेरी बात सुनो, थोड़ी देर की बात है, थोड़ा वेट कर लो, थोड़ी देर। हाँ, इट्स ओके जबरान। आप लोगों का कहीं प्लान था बाहर जाने का? नहीं, एक्चुअली इस वक्त वी जस्ट गो आउट फॉर अ लिटिल वॉक, तो शायद इस वजह से। जाए ना प्लीज, आप लोग वॉक के लिए जाएं। इट्स ओके, मैं एक काम करती हूँ ना जबरान, मैं देख लेती हूँ। आई लेट यू नो टुमारो इन डिटेल, राइट? श्योर। यू गाइस, हाँ, आप लोग वॉक कीजिए। मूड क्यों बनाया हुआ, चलें अब। चलें। सायरा की आते ही जिब्रान की सारी तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है। आखिर ऐसा क्या है उसमें? सायरा, तुमसे जिब्रान को छीनना लिया तो मेरा नाम भी मायरा नहीं, जिब्रान सिर्फ मेरा है, और मैं तुम्हें उसकी जिंदगी से निकाल कर ही दम दूंगी, क्योंकि मेरी चाहत जिब्रान के लिए तुमसे बेहद ज्यादा है, और अब मैं जिब्रान को हर कीमत पर हासिल करके रहूंगी। क्यों? जब से मायरा ने ऑफिस ज्वाइन किया आप दोनों इतने बिजी हो गए,
जब देखो काम की डिस्कशन, डाइनिंग टेबल पे डिस्कशन, उसके बाद भी डिस्कशन, हमारी तो जैसे पर्सनल लाइफ ही नहीं रही। मायरा सरप्राइजिंगली काम पे बहुत फोकस कर रही है, जो कि अच्छी बात है। इर्द गिर्द की फजूल बातों की बजाय वो काम में ध्यान दे रही है, काम में इंटरेस्ट ले रही है। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। थैंक यू। ये रही आपकी फेवरेट जैकेट। ये नहीं, ये नहीं अच्छी लगेगी। फॉरेन डेलीगेशन आ रहा है, आप इतना डल कलर पहनेंगे। तुम्हारी नजरें कमजोर है, जानबूझ के अनजान बन रही हो। क्या हुआ खाला, मैं समझी नहीं। तुमने अपनी बहन के अंदाज नहीं देखे, जरा देखो वो क्या कर रही है। मेरी खाला का घर है और जब तक मेरा दिल चाहेगा मैं इस घर में रहूंगी। हक है मेरा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। ये दुख कम न होंगे, सायरा, सायरा। जिब्रान, सायरा तो किचन में बिजी है, उसने मुझे भेजा है। कुछ काम है तो आप बताइए। नहीं ठीक है, आई विल मैनेज। प्लीज जिब्रान बताइए ना, आपको शर्ट चाहिए मैं या प्रेस करानी कोई शर्ट मैं कर दूं? नहीं, वो जैकेट नहीं मिल रही है मेरी, पता नहीं उसने कहा। आई गेट इट। सी ये ठीक है ना? हाँ ठीक, थैंक यू। ये रही आपकी फेवरेट जैकेट। ये नहीं, ये नहीं अच्छी लगेगी। फॉरेन डेलीगेशन आ रहा है, आप इतना डल कलर पहनेंगे। और आपने इसी कलर की तो टॉप पहनी हुई है, ये तो बहुत अजीब लगेगा। आप ये ट्राई कीजिए, कॉन्ट्रास्ट होगा, इट विल लुक मोर गुड ऑन यू। हाँ मेक सेंस, मैं ये ट्राई कर लेता। थैंक यू। प्लेजर। आपको तो बिल्कुल नहीं पता कि उन पे क्या सूट करता है क्या नहीं। एंड बाय द वे दिस कलर, वेरी बैड चॉइस। जिब्रान क्या हो गया आपको, हर वक्त आप काम करते रहते हैं। प्लीज इट्स टू लेट नाउ, यू नो आई एम सो हंग्री, मुझे प्लीज कुछ अच्छा सा खिलाए ना। डिनर साथ करते हैं कहीं बाहर चल के, अच्छी सी जगह पे। हाँ बस मैं भी फ्री होने वाला हूँ। ऐसा करो सायरा को कॉल करो, फिर इकट्ठे डिनर करते हैं। राइट राइट, अभी कॉल करती हूँ। हेलो। हाँ सायरा, वो जिब्रान ने एक मैसेज कन्वे करने को कहा है मुझे। वो कह रहे हैं कि आज मैं और जिब्रान दोनों लेट हो जाएंगे, डिनर पे हमारा वेट मत करना, हम कहीं बाहर डिनर करने जा रहे हैं। ठीक है बाय। Thank you.
सारा तुम सो क्यों नहीं अभी तक? पहले कौन सा आपके घर आने से पहले मैं सो जाया करती थी? हाँ वो बात तो और है कि पहले आप इतनी रात के घर से बाहर भी नहीं रहा करते। वो एक्चुअली आज वर्कलोड बहुत ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा काम था। इट वाज अ वेरी हेक्टिक डे टुडे। खाना तो खा के आए होंगे आप? हाँ वो मायरा को भूख लगी थी तो हमने सोचा खाना खा ही लें। तबीयत कैसी है तुम्हारी? सर दर्द ठीक है अब? तो और पढ़ के नजरे कमजोर है, जानबूझ के अनजान बन रही हो। क्या हुआ खाला? मैं समझी नहीं। तुमने अपनी बहन के अंदाज नहीं देखे? जरा देखो वो क्या कर रही है, वरना तुम्हारा मियां तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। सायरा अभी तक रियो सोई नहीं? जिब्रान का इंतजार कर रही हूँ, कैसे सो सकती हूँ? तो फिर तो तुम जिब्रान के इंतजार की आदत डाल। क्यों? क्योंकि ऑफिस में वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। एक सिंगापुर से डेलीगेशन आ गया, आई थिंक जिब्रान अब रोज ही नहीं जाया करेंगे। मायरा तुमने अपने बारे में क्या सोचा? अपने बारे में क्या क्या मतलब? तो कब तक रहोगे तुम यहाँ पे? जाओ जाके मामा पापा से माफी मांगो, खाला रोज तुम्हारा पूछती है। मेरे यहाँ रहने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही जिब्रान को कोई इतराज है, तो फिर खाला को क्या मसला है? मैं चली जाऊंगी वापस, जब मामा और बाबा का मूड ठीक हो जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। जब मामा और बाबा को पता चलेगा कि तुम यहाँ रह रही हो तो वो और नाराज होंगे। जाओ जाके माफी मांग लो उनसे। मैंने कहा ना कि मैं माफी मांग लूंगी उनसे जब मेरा दिल चाहेगा। तुम टेंशन मत लो। मायरा तुम दो माह से यहाँ रह रही हो, अब तुम मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रही हो। तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए क्या मुश्किलात है? देखो सायरा, माना कि ये घर तुम्हारा ससुराल है, लेकिन इस घर के साथ मेरा भी कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है। मेरी खाला का घर है और जब तक मेरा दिल चाहेगा मैं इस घर में रहूंगी। हक है मेरा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। जाओ। हमेशा ऐसे ही करती है, बचपन से लेके आज तक मेरे लिए हमेशा बुरा सोचती रही है। खुद नहीं चाह रही होगी कि मैं इस घर में रहूं, और नाम ले रही है खाला का। मैं भी नहीं चाहूंगी जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। जल्दी सो गए? इंतजार भी नहीं किया? दो मिनट तो इंतजार कर लेते। पता नहीं सब क्या हो रहा है। दूसरे रोज ही मेरे शौहर ने मुझे भागी हुई बहन का ताना दे दिया था।
उस दिन वो यहाँ से मम्मा के निकाल देने के बाद वहाँ घर पे आ गई थी। मुझसे उसकी हालत नहीं देखी गई। मैंने जिब्रान और खाला की मर्जी के खिलाफ जाके उसे घर में रहने की इजाजत दी। वो तब से आपकी तरफ है और आपने हमें बताया तक नहीं। मुझे लगा बदल गई है। मुझे क्या पता था कि वो मेरा पसा पसाया घर उजाड़ने की कोशिश करेगी। मेरा कौन है आप लोगों के सिवा? मुझे तो जिया ने भी घर से निकाल दिया है मामा। जहां मर्जी तुम जाओ, लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। मर गई है बाला। उसका अब इस घर से और इस घर में बसने वालों से अब कोई रिश्ता नहीं रहा। इसे कहो कि यहां से चली जाए। मुर्दों को तो दफना दिया जाता है, लाशों को घरों में सजा कर नहीं रखा जाता। मुझसे गलती हो गई है, मगर मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। क्या हुआ महाराज, तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं? सायरा ने मुझे कह दिया है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं। मामा मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। उस घर के दरवाजे मुझ पे बंद है और यहाँ से भी उसने मुझे कहा कि मैं चली जाऊं। अब कौन है मेरा, मैं कहाँ जाऊं? सायरा तो ऐसा नहीं कह सकती। उसे मामा की मर्जी के अगेंस्ट तुम्हें घर में रखा था, वो खुद तुम्हें निकलने का कैसे कह सकती है? सारा ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कह रही है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगा कि हम साथ थे। उसने बहुत घटिया इल्जाम लगाया मुझ पे। मैं तो आपको बताते हुए भी। कैसा इल्जाम? हम लोग डिनर करने जो साथ चले गए, क्यों लेके गए आप मुझे? जब उसने मना किया था तो नहीं जाना चाहिए था ना आपको? सारा गुस्सा उसने मुझ पे निकाला, इतना घटिया इल्जाम कैसे कर सकती है वो ये सब कुछ? पॉसिबल? आप जानते हैं उसने क्या कुछ कहा है? उसने मुझे ताना दिया है कि मैं अपना रिश्ता नहीं निभा सकी। मैंने अपनी शादी खत्म की है खुद। मुझे कहने लगी कि मैंने तो अपना शौहर खो दिया और अब उसके शौहर पे मेरी नजर। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती जिब्रान, मैं अपनी बहन के शोहर पे। तौबा। This is very hard to believe, क्योंकि सारा ऐसी लड़की नहीं है तो ऐसी बात कैसे करेगी? मुझे ये समझ नहीं आ रही। ऐसी ही होती है शायद सब लड़कियां। मैं क्या कह सकती हूँ? हो सकता है कि शादी के बाद हर लड़की अपने शोहर के लिए इतनी पोजेसिव हो जाती हो, कंजर्वेटिव हो जाती हो, मुझे नहीं पता कुछ भी। लेकिन जिब्रान मैं आपसे सच कह रही हूँ, मेरे दिल में सायरा के लिए बहुत मोहब्बत है। मैं आप लोगों का अच्छा चाहती हूँ, आप लोग खुश रहे एक साथ। जो था वो पहले था, अब कुछ नहीं है। मैं तो मैं सोच भी नहीं सकती जो उसने कहा है। इतनी बड़ी बात। तुम्हें अपने शोहर पे एतमाद होना चाहिए, और तुम अपनी बहन पे भी इल्जाम लगा रही हो और अपने शोहर पे भी, और इस किस्म की बातें कि मुझे सोचते हुए शर्म आती। शोहर है तुम्हारा, मगर अब वो तुम्हें छोड़ देगा, मुझे अपना लेगा, मुझसे शादी करेगा और मेरा शोहर होगा वो। मेरा। क्या हुआ, तबीयत ठीक है आपकी? बाबा बाबा बाबा, ये दुख कम न होंगे, कम न होंगे। काफी दिन हो गए हैं ना सायरा ने चक्कर लगाया, ना सुमेरा आपा से बात हुई है। क्यों ना हम खाला को और जिब्रान भाई सायरा आपी को खाने पे बुलाएं? ये ठीक रहेगा।
इतवार को इनवाइट कर लेते हैं ताकि जिब्रान भी फुर्सत से आ जाए। जी मेरी भी छुट्टी होगी तो मैं आपको किचन में हेल्प करवा दूंगी। हाँ चलो ठीक है, मैं आपा को फोन करके इनवाइट करती हूँ। फोन लाओ मेरा। अभी रहने दें, अभी तो 5 दिन पड़े इतवार में, कल परसों तक बता दीजिएगा। हाँ चलो ठीक है, सुरैया से बोलो मेरे लिए चाय लेकर आए। जी आपकी। तुमने मायरा को यहाँ से जाने को कहा? हाँ। क्यों? जिब्रान वो 2 माह से यहाँ रह रही है, उसे चाहिए क्या वो जाए और जाके मामा बाबा से माफी मांगे। आई एम सॉरी सारा, लेकिन मुझे तुमसे इतनी कमजोरी की उम्मीद नहीं थी। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? तुम्हें अपने शोहर पे एतमाद होना चाहिए, और तुम अपनी बहन पे भी इल्जाम लगा रही हो और अपने शोहर पे भी, और इस किस्म की बातें कि मुझे सोचते हुए शर्म आती। क्या कर रही हो? जा रही हूँ यहाँ से, जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं यहाँ नहीं ठहर सकती। कहाँ जाओगी? कहीं भी चली जाऊंगी, ईदी सेंटर या फिर किसी हॉस्टल। देखो जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, मैं खाला से बात करूंगा, आई एम श्योर वो तुम्हें माफ कर देंगी। नहीं करेंगी माफ मुझे, खाला मुझे यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगी और मैं अब खुद भी यहाँ नहीं रुकना चाहती। मायरा मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम यहाँ रुको, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, मैंने कह दिया ना तुम्हें स्टे हियर। तारा मायरा यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, और इसके यहाँ होने पर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। देख लिया तुमने, जिब्रान चाहते हैं कि मैं यहाँ से कहीं ना जाऊं, उनकी नजरों के सामने रहूं। मायरा आखिर तुम चाहती क्या हो? जिब्रान को चाहती हूँ, दिलो जान से चाहती हूँ, और जिब्रान की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ। मायरा मैं तुम्हारे लिए तुम दोनों के रास्ते से हट गई थी, तुम खुद जिब्रान को छोड़ के गई थी। हाँ मैं छोड़ के गई थी, मगर अब मैं वापस आ गई हूँ, और तुम देख लेना जिब्रान मेरे होंगे, मैं जिब्रान को हासिल करके रहूंगी। जिब्रान एक जीता जागता इंसान है, कोई खिलौना नहीं है वो, जिसे जब दिल चाहो तुमने खेल लिया, जब दिल चाहो उसे फेंक दिया, और अब वो शौहर है मेरा। शौहर है तुम्हारा, मगर अब वो तुम्हें छोड़ देगा, मुझे अपना लेगा, मुझसे शादी करेगा और मेरा शौहर होगा वो। मायरा अपने इन बेलगाम और मुंह जोर ख्वाहिशों पे काबू पाना सीखो तुम, वरना मुंह के बल गिरोगी। थप्पड़ का जवाब तुम्हें जरूर दूंगी मैं सायरा। जिब्रान को अपना ना बनाया, मेरा नाम भी मायरा नहीं। वालेकुम अस्सलाम। आप नाश्ता नहीं कर रहे? नाश्ता है ही नहीं तो क्या करूं? मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। चाय। थैंक्स। तुम नहीं करोगी नाश्ता? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। जिब्रान आपसे कुछ कहना है मुझे, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मेरी वजह से आपके और सायरा के दरमियान प्रॉब्लम्स पैदा हो रही।
ऐसी कोई बात नहीं हमारा, ऐसी ही बात है। जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब मैं मजीद यहाँ नहीं रुक सकती। प्लीज आप मेरे लिए किसी हॉस्टल का बंदोबस्त कर दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से। और अब तो सायरा ने भी मुझे साफ साफ कह दिया कि चली जाओ यहाँ से। सायरा ने कहा था जी, आप प्लीज मेरे लिए किसी हॉस्टल का बंदोबस्त कर दीजिए। अच्छा अब तुम नाश्ता तो करो, फिर ऑफिस चल के बात करते हैं। छोड़े मुझे ऑफिस भी नहीं जाना, मैं इस घर से, ऑफिस से और आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ। मायरा ये किस किस्म की बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? बैठो और नाश्ता करो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ बैठो। आप क्यों करते हैं ऐसा? मत क्या करे मुझे इंसिस्ट, आपको पता भी है कि आपकी किसी बात को मैं नहीं डाल सकती। ठीक है आप जैसे कह रहे हो वैसे ही। चलो अब ऑफिस का बैग लेकर आओ, चलते हैं, देर हो रही है। सायरा को हो क्या गया है? वैसे रिएक्ट क्यों कर रही है? ये शायद किसी बात से डिस्टर्ब्ड है, मुझे उससे बात करनी चाहिए। हेलो जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने आपकी मेल चेक कर ली है, मैं बस आज शाम तक आपको
बता दूंगा, राइट? जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। गजाला, वो सारा बेटी आ गई? जी, वो आपसे मिलने गई थी कमरे में, आप सो रहे थे, उसने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा, अब फिजा के कमरे में। अच्छा, चलिए ठीक है, अब मैं वहीं जाके उससे मिल लेता हूँ। जी, तो आप जरा प्लीज सायरा की पसंद का खाना बनवा दें। वही बनवा रही हूँ, सुरैया से कहा है मैंने बनाने के लिए। मैं मेरे ख्याल में मिला हूँ उसे। हाँ, सुरैया, सुरैया बन गया खाना? मामा, सारा कहाँ पर है? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी जिब्रान, उसकी रंगत बिल्कुल पीली हो रही थी। मैंने कहा तुम गजाला के जा रही हो तो गजाला से कहना तुम्हें डॉक्टर के लेके जाए। तो मामा मुझे बताती, मैं ले जाता उसको। मैंने जिब्रान से कहा था, कहने लगी कि नहीं बहुत बिजी होते हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही। ओ प्लीज मामा, इतना भी बिजी नहीं होता मैं, पता नहीं कैसे गई होगी। सारा बाजी, आपके लिए खाना लगाऊं? नहीं, अभी मूड नहीं है। ठीक है बाजी। सारा, बेटा पापा का फोन आया था, बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलो। बस वो फिजा के साथ बातों में जहन से ही निकल गया, वैसे अब तो मेरी तबीयत ठीक है। नहीं बेटा, पापा की ताकीद थी कि तुम्हें जरूर डॉक्टर के पास लेकर चलो, उनके घुटनों में दर्द था, अगर वो ठीक होती तो वो खुद लेकर जाती बेटा तुम्हें। चलो चलते हैं। अच्छा मामा, मैं वो बाबा से तो मिल लूँ, बाबा कहाँ हैं? क्या मतलब, वो आए नहीं थे, तुम मिली नहीं उनसे? नहीं, बाबा यहाँ तो नहीं आए। चलो मैं उनसे मिल के आती हूँ। फिजा, क्या बात है बेटा, परेशान लग रही है? मामा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, सब खैरियत है ना? नहीं मामा, कुछ भी ठीक नहीं है। बाबा जानी, बाबा क्या हुआ आपको? उठिए, उठिए बाबा, क्या हुआ, तबीयत ठीक है आपकी? बाबा, 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 मामा, मामा, फिजान, मामा, सायरा, बाबा क्या हुआ है आपको? मामा देखिए बाबा को क्या हो गया है? एहसान, एहसान क्या हुआ? एहसान होश करे, एहसान, बाबा, एहसान क्या हो गया आपको? पानी लेकर आओ, एहसान ला, डॉक्टर को बुलाओ फौरन, एहसान। बाबा हटो पीछे, एहसान, एहसान आगे खोले, एहसान, बाबा, एहसान, फिजा, एहसान खुदा के पास आगे खोले, एहसान, एहसान आगे खोले, एहसान। थैंक यू। सायरा नजर नहीं आ रही, अब तक नाराज है क्या? नहीं, घर गई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, काला के साथ चेकअप करवा के वापस आ जाएगी।
हेलो, क्या कौन से हॉस्पिटल में? ये दुख